ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस मैं आपको एकदम इजी स्टेप में समझाऊंगा कि आपको कैसे एडिट करनी है वाली फोटो। तो गाइस आप लोग कोई भी पार्ट मिस मत करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप स्क्रीन वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको इसमें फिर करना है कि आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइज मॉडल को ऐड कर देने के बाद जो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है गाइज, आप लोगों को अपने मॉडल का साइज जो है गाइज कुछ इस टाइप से यहाँ पे इतना रख लेना है। देन उसके बाद आप सभी को अभी डन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइज यहाँ से आप सभी को एक लाइन की पीएनजी ऐड करना है, ठीक है, जो कि येलो वाले आपको दिख ही रहा होगा बैकग्राउंड में। आपको गाइस इसको इससे मैच कराना है, ठीक है। आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है। एंड आपका पोज अगर सेम होगा तो आपके हैंड में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आता है तो आप इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करके आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको हार्डनेस को फुल कर देना है। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद आपको अपनी फिंगर के पास से जो इसको यहाँ पे सिंपली इरेज कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस देखिए कुछ इसको भी मैच कराना पड़ेगा। तो उसको मैच कराने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इरेजर टूल में, इरेजर लेना है। आपको यहाँ पे ओपेसिटी हार्डनेस जो है यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हार्ड नहीं रखना है। एंड उसके बाद आपको इसको ओपेसिटी जो कम करके आपको कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज करना है जो कि आपको पता भी ना, किसी को पता भी ना लगे कि मतलब क्या आपने कुछ यहाँ पे पीएनजी ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको अगेन ऐड फोटो में जाना है। एंड आपको सेम गाइस दूसरे वाला पीएनजी लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेम स्टेप है, आपको बस पीएनजी दूसरा लेना है, ठीक है, जो कि आपको सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सेम चीज़ वही करनी है, तो उसको भी मैं फटाफट करता हूँ। सो गाइस जितना हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है। गाइस यहाँ से बैकग्राउंड ऐड करना है एक ब्लैक कलर का, जो कि गाइस आपको शेडो बनानी है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या है गाइस, आप लोग यहाँ पे पहले इसको फुल स्क्रीन करना है। एंड उसके बाद इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको उसको मूव डाउन कर देना है। देन इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज इंक्रीज करना है। एंड फोटो को जूम करना है। फोटो को जूम करने के बाद गाइस आपको कुछ स्टेप्स ऐसे जो पेंट करना है अपने शूज़ के नीचे, यानी कि आपको एक शेडो क्रिएट करनी है जो कि गाइस एक रियलिस्टिक सा लगना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को अगर जैसे तरीके से शेडो बनाना आता है वैसे बना सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे फिर इसकी ओपेसिटी यहाँ पे आपको कम कर लेनी है। एंड उसके बाद आपको कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, क्योंकि गाइस इसको रीटच करके हमें और भी अमेजिंग बनाना है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं एंड इसको लेके चलते हैं लाइटरूम ऐप में। सो लाइटरूम ऐप को हम डायरेक्ट यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है, कहा था कि जो हम आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है। तो आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पे हल्का सा इसको माइनस करना है, सैचुरेशन जो है इसको प्लस करना है। एंड जो हाइलाइट्स शेडो है इसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो वाइट है इसको यहाँ पे कम कर देना है, जो ब्लैक है इसको इंक्रीज़ कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है, फोटो का टेम्परेचर आपको कम कर देना है। फिर चले जाना आपको मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे सेलेक्ट करके सैचुरेशन आपको माइनस करके ल्यूमिनस बढ़ा देना है। एंड उसके बाद येलो कलर लेना है, इसका ह्यू आपको थोड़ा सा प्लस की साइड रख लेना है। एंड इसका सैचुरेशन इंक्रीज़ कर देना है। देन आपको डार्क ब्लू लेना है, इसका सैचुरेशन आपको बिल्कुल माइनस करके आपको कर देना है डन। एंड इतना हो जाने के बाद आपको चले जाना कलर के नीचे वाले टूल में। कलर के नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देनी है, फोटो में विग्नेट डाल देना है। नीचे स्क्रॉल करना है आपको मिलेगा भाई ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड चले जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, फोटो में नोट ऑप्शन डाल देना है, कलर नोट ऑप्शन इसको बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी फोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी। तो गाइस ऐसा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।